रीवा में खुले मैदान में दो युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे थे शराब पार्टी। युवतियां फरार, युवक पकड़ाए गए। आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो युवतियां भी युवकों से किसी मामले में कम नहीं है, चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, नौकरी हो या पढ़ाई। जिस प्रकार से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जहां कई युवतियां नित नई बुलंदियों को छू रही हैं, वहीं कई युवतियां गलत रास्ते में भी जा रही हैं। इसी कड़ी में बीते दिवस सिविल लाइंस पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक अपनी तीन महिला मित्र के साथ NCC ग्राउंड में शराब पार्टी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर युवतियां तो अपनी स्कूटी छोड़कर भाग गईं, लेकिन दोनों युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। युवकों को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। युवकों के खिलाफ पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। युवतियों का पता लगाया जा रहा है। सिविल लाइंस पुलिस ने बताया कि युवतियां अपनी स्कूटी छोड़ गई हैं। युवकों और स्कूटी की मदद से युवतियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच में अगर युवतियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने युवतियों को भी पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने युवतियों की स्कूटी जब्त कर उन्हें जाने दिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा। युवतियों की सोच और आधुनिकता का रंग। मनोवैज्ञानिकों की माने तो आज के आधुनिक युग में माता पिता की व्यस्तता काफी अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण वे अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। महानगरों में तो युवतियों का शराब सिगरेट पीना आम बात है। अब रीवा भी महानगर बनने की राह पर है, जिसके कारण ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें युवतियां अपने पुरुष मित्रों के साथ शराब का सेवन करते हुए मिल जाती हैं। इस परिवर्तन का एक कारण देश समाज में बढ़ी टेक्नोलॉजी की उपयोगिता है। देखने में तो यह भी आ रहा है कि छोटे बच्चों से लेकर किशोर किशोरियों और युवक युवतियों को मोबाइल का अधिकाधिक उपयोग करना जरूरी है। मोबाइल का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि लोगों को बिगाड़ने में इसकी अहम भूमिका है। बच्चे मोबाइल का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी तरफ बच्चों को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।